हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा सो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन फ्रेंड्स दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 44 ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड थर्ड पार्ट है ये उसका ऑलरेडी दो वीडियोज छोटे छोटे डिस्कस कर चुके हैं दिस विल बी ऑल्सो अ शॉर्ट वीडियो ऑल राइट सो विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स वेलफेयर प्रोविजन से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है कोड के अंदर वो देखेंगे वर्कआर्स और एनुअल लीव Uh, से रिलेटेड कुछ प्रोविजन्स देखेंगे एंड इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड कुछ अथॉरिटीज़ जो अपॉइंट की जाती हैं जैसे आपका चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो गया या फिर एक्सटर्नल ऑडिट हो गया उनके बारे में प्रोविजन्स देखेंगे वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड जो आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड है इट्स अ वेरी बिग कोड 86 पेजेस का कोड है अगर आप पी फाइल इसकी देखते हो जो ऑफिशियल है पर वो अपने लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है इनफैक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और वेजिस कोड दो साइज़ में छोटे थे लेकिन फिर भी उसमें अपने लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट ज़्यादा था इसके अंदर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट है इम्पॉर्टेंट वो काफ़ी कम है इस पर्टिकुलर कोड में ओके okay? सो so, अगर आप खुद से भी पढ़ने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो सारे का सारा कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ओके एंड आई एम आल्सो ब्रिंगिंग यू ओनली द इम्पॉटेंट प्रोविजन जो कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वेदर इट इज स्टेटमेंट बेस्ड और इट इज़ योर फैक्ट बेस्ड ओके एंड एम सी क्यू कोर्सेज दिस इज द टाइम दैट यू मस्ट बाय द एम सी क्यू कोर्स इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव योर एग्जामिनेशन तो ये एम कोर्सेज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं द नेम ऑफ द वेबसाइट इज़ डब्ल्यू 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 डॉट एस डबल ई के एच एस एच ए डॉट कॉम ओके यू कैन गो ऑन दिस वेबसाइट एंड एक्सप्लोर एंड कोई भी डाउट हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो नाइन या फिर मेल कीजिए सिक्स पर चलिए सबसे पहले बात करेंगे वेलफेयर प्रोविजन्स की तो कोड के अंदर साफ साफ लिखा है कि हर इम्प्लॉयर को कुछ वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करने हैं ठीक है एंड टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से वेलफेयर मेजर्स फॉलो करने हैं उनको प्रिस्क्राइब कर सकती है हाल फिलहाल जब ये आपका कोड पास किया गया है तो कुछ वेलफेयर uh, मेजर्स जो हैं वो आपके लिए यहाँ पर uh, हमने लिस्ट किए हैं जो हर इम्प्लॉयर को फुलफ़िल करने हैं सबसे पहले तो वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एंड दीज फैसिलिटीज शुड बी सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल स्टाफ ठीक है उसके साथ साथ बैथिंग प्लेसेज एंड लॉकर रूम्स आपको डिज़ाइन करने हैं वंस अगेन मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ के लिए सेपरेटली ओके okay. उसके अलावा अपने एम्प्लॉयज़ को सफिशेंट uh, जो है स्पेस उनके पास होनी चाहिए देर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस जहाँ पर वो अपने नॉन वर्किंग आवर्स के कपड़े और अपने वर्किंग आवर्स के कपड़ों को रख सकें सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए प्रॉपर एम्प्लॉइज़ का स्पेशली उन इम्प्लॉयज़ का हु हैव टू वर्क कंटिन्यूसली इन द स्टैंडिंग पोजिशन तो आपने ऐसे इम्प्लॉयज़ के लिए सिटिंग अरेंजमेंट का जो प्रो इंतज़ाम वो है करना है एंड रेगुलर इंटरवल्स पे दे मस्ट बी अलाउड टू गो एंड सिट ठीक है उसके अलावा कैंटीन आपको बनाना पड़ेगा <laughs> हर इस्टैब्लिशमेंट में जहाँ पर सौ या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं अब ये सौ या उससे ज़्यादा वर्कर्स के अंदर परमानेंट वर्कर्स तो काउंट होंगे ही होंगे साथ के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स भी काउंट होंगे ओके सो परमानेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट अगर हंड्रेड या हंड्रेड से ज़्यादा हैं तो उस केस में उस इस्टेब्लिशमेंट को एक कैंटीन फैसिलिटी जो है वो भी क्रिएट करनी पड़ेगी दिस इज ऑल्सो अ नॉर्म ओके ये अब डायरेक्टली फैक्ट एज अ फैक्ट पूछा जा सकता है राइट right. उसके अलावा अगर आप देखो मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए इम्प्लॉयज के लिए स्पेशली जो इम्प्लॉयज माइंस में जिनको इम्प्लॉयड किया एम्प्लॉय किया गया है और ये मेडिकल एग्जामिनेशन टाइमली इंटरवल्स के ऊपर होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्सेस का इंतज़ाम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कुछ और जो रेडिली एक्सेसिबल मटेरियल जो है वो उसके लिए कबर्ड्स होने चाहिए प्रॉपर फर्स्ट एड बॉक्सेस प्रॉपर कबर्ड्स में होने चाहिए जिसकी लोकेशन सारे एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए ओके okay? उसके अलावा कोई भी और वेलफेयर मेजर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर करती है कि इंपॉर्टेंट है वो भी इस कोड में इंक्लूड किया जा सकता है ओके okay? उसके बाद क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए रूल्स बनाएगी कि क्रेच फैसिलिटी किस हिसाब से प्रोवाइड करनी है एंड कर करंटली जो कोड के अंदर लिखा गया है कि अगर जो इम्प्लॉयज़ हैं उनके छः साल से छोटे बच्चे हैं तो छः साल से छोटे बच्चों के लिए क्रैच फैसिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड दिस क्रेच फैसिलिटी शुड बी इन द सुटेबल लोकेशन ये हमने सारा जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर भी डिस्कस किया था ठीक है वो सारे नॉर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे तो सुटेबल लोकेशन पर होनी चाहिए एंड हर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर पचास या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं फिफ्टी या ज़्यादा वर्कर्स हैं वहाँ पर आप के एम्प्लॉयर को क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी अब क्रेच फैसिलिटी के लिए सरकार ने एक और प्रोविजन रखा है टू हेल्प द इम्प्लॉयर तो जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी खुद की एक क्रैच फैसिलिटी बनाए ठीक है सरकार जो है आपकी कॉमन क्रेच फैसिलिटी बनाती है चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ भी कहीं जो है वो अपनी क्रेच फैसिलिटीज क्रिएट करती हैं या फिर कुछ ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं आजकल इसके अंदर आपने देखा होगा आपको शायद ना पता हो लेकिन काफ़ी इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जिनका बिजनेस ही है दे क्रिएट एंड प्रोवाइड द करेच फैसिलिटी फॉर द वर्किंग पीपल okay. और जो आपकी सिटीज़ हैं जहाँ पर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं स्पेसिफिकली दिस इज ऑल्सो अ इमर्जिंग आइडिया तो अगर आप में से कोई कभी बिजनेस करने का शौक़ रखता है ये काफ़ी एक अच्छा इमर्जिंग आइडिया है क्योंकि आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन दे के नॉट प्रोवाइड द करेच फैसिलिटी एंड आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन में फिफ्टी प्लस वर्कर्स भी नहीं होते हैं कई स्मॉल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें पंद्रह बीस वर्कर्स होते हैं सो so, पेरेंट्स uh, uh, जो इन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं डेफिनेटली दे ऑल्सो वॉन्ट की क्रेच फैसिलिटी हो सो so, इसी वजह से आजकल प्राइवेट एंटिटीज जो हैं वो पेड बेसिस के ऊपर क्रेच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ठीक है एन जी हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज एन इनकी कोई क्रेच फैसिलिटी है या फिर दो या तीन इंडस्ट्रीज़ मिल करके दो या तीन कंपनीज मिल करके एक कॉमन क्रेच फैसिलिटी भी बना सकते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इम्प्लॉयर को हर इंडस्ट्री को हर कंपनी को अपनी पर्सनल क्रेच फैसिलिटी क्रिएट करनी है ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है ठीक है उसके बाद आवर्स ऑफ वर्क की बात करते हैं तो डेली जो लिमिट सेट की गई है कि किसी भी वर्कर को ना तो आप बोल सकते हो ना ही उसको आप अलाउ करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि वो आठ घंटे से ज़्यादा काम करें नॉर्मली ओवर टाइम इज़ डिफ़रेंट ओवर टाइम के अंदर भी आप इंप्लॉई को फोर्स नहीं कर सकते कि तू ओवर टाइम लगा अगर वो अपनी विश से ओवर टाइम लगाना चाहता है देन इट इज अ डिफरेंट थिंग लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है नॉ वर्कर शॉल बी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्या हो गया कि आपने नॉर्म ही सेट कर दिया कि भाई तेरी दस घंटे की ड्यूटी है तो इट कैन नॉट बी रिक्वायर्ड और आप इसको अलाउ भी नहीं करोगे टू वर्क इन एन स्टैब्लिशमेंट नॉर्मली ओवर टाइम इज अ डिफरेंट थिंग इन एन इस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फॉर मोर देन एट आवर्स इन अ डे ओके okay, अब किसी ने आपको कहा कि आठ घंटे के लिए नहीं आठ घंटे से ज़्यादा आप नहीं काम करा सकते आप ज़्यादा चतुर बन रहे हो आप कह रहे हो ठीक है मैं एक शिफ्ट लगाता हूँ इसकी चार घंटे की उसके बाद मैं इसको चार घंटे का ब्रेक देता हूँ फिर मैं इसकी चार घंटे की शिफ्ट लगाता हूँ फिर इसको चार घंटे का ब्रेक देता हूँ और फिर इसकी चार घंटे की शिफ्ट लगवा देता हूँ ठीक है तो ये कितना हो गया घंटे टोटल बीस घंटे में आपने उससे बारह घंटे काम करा लिया ओके सो दैट इज़ दैट कैन नॉट बी डन टोटल वो जो एक चौबीस घंटे के दिन में काम करेगा वो सिर्फ आठ घंटे ही करेगा ऐसा नहीं है अभी चार चार घंटे के प्रोविजन डिवाइड करके दिखा दो उसको और आप दिखा दो कि मैं तो चार घंटे का रेस्ट दिया है तो मैं तो सिर्फ चार घंटे ही काम करा रहा हूँ तो कंप्लीट डे के अंदर आप आठ घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते ओके okay? और जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि आठ घंटे आप किसी से लगातार काम नहीं करा सकते उसके बीच में आपको उसको ब्रेक्स भी देने पड़ेंगे ओके उसके अलावा अगर हम बात करें हॉलीडे की तो किसी भी वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छः दिन से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे आप एक हफ्ते के अंदर सेवन डेज का आपका वीक होता है सो so नेसेसरीली आपने उसको हर हफ्ते एक छुट्टी देनी ही है कुछ एक्सेप्शन हैं कुछ कंडीशन हैं जहाँ पर अगर आप आ, एक पर्टिकुलर वीक में हॉलीडे नहीं दे पा रहे हो तो आप उसको नेक्स्ट वीक के अंदर एडजस्ट करेंगे ओके okay? बट वो सारे प्रोविजन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना अगर आपको पता है डेफिनेटली आप इससे ऊपर नहीं वो पूछेगा देखो टेक्निकलिटीज के अंदर घुसने का कोई फायदा नहीं है उसमें से क्वेश्चन आने वाले नहीं है वैसे भी आई कैन अश्योर यू दैट ओके उसके बाद अगर हम ओवर टाइम वेजेस की बात करें तो ओवर टाइम वेजेस जो है वो ट्वाइस होंगी यानी कि अगर किसी को सौ रुपये घंटा मिल रहा है आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल हंड्रेड रुपीज पर आर मिल रहा है नॉर्मल वर्किंग टाइम के अंदर तो अगर वो पर्सन ओवर टाइम लगाता है तो उसको टू हंड्रेड रुपीज पर आर का जो है आप ओवर टाइम पे करेंगे right. और राइट एंड द पीरियड ऑफ ओवर टाइम वर्क शॉल बी कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस अब या तो आप डेली बेसिस पे ओवर टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कि हर रोज का उसने कितना ओवर टाइम लगाया एंड उस हिसाब से यू कैन पे दैट पर्सन ठीक है या आप वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो ये बेसिकली डिपेंड करेगा जो वर्कर के लिए ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन है ओके okay? उसके बाद नेक्स्ट एक प्रोविज़न आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स का तो जो आपका कोड है उसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि हर इम्प्लॉयर को एक रजिस्टर मेंटेन करना है ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर भी हो सकता है और पेन एंड पेपर फॉर्म में भी हो सकता है ठीक है इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेगा जो उसको सरकार बोलती है जैसे कि कि जो वर्क है जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं वो किस तरह का काम करते हैं कितने घंटे काम चलता है नॉर्मल वर्किंग डे जो है वो कितने घंटे का होता है ठीक है जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है कि भाई आठ से सुबह आठ से शाम को पाँच बजे तक है या शाम को चार बजे तक है ठीक है जी डे ऑफ रेस्ट कितना आप रेस्ट दे रहे हो कौन से दिन आप छुट्टी दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को कितनी आप वेजेस पे कर रहे हो ठीक है उसके अलावा लीव लीव वेजेस ओवर टाइम वर्क अटेंडेंस डेंजरस एक्सिज ये सारी चीजों का भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एडोलिसेंट काम कर रहा है तो ये सारी चीजें आपको रजिस्टर में इंप्लॉयर को मेंटेन करनी है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर बनेगा तो बन जाएगा दो चांसेस कम है उसके बाद इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड अदर अथॉरिटीज के बारे में देख लेते हैं तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को अपॉइंट कौन करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी यानी कि सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई और स्टेट लेवल पर स्टेट की गवर्नमेंट आ गई ठीक है एक सिंपल सी नोटिफिकेशन निकालेगी सरकार और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का चयन हो जाएगा एंड ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वो सारी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे जो उनको इस कोड के अंदर दी जाएंगी ओके okay? उसके अलावा जो इंस्पेक्शन स्कीम है उसके बारे में भी इस कोड में बताया गया है कि हर इंस्पेक्शन के लिए हर ट को जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है हर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का एक यूनिक नंबर होगा और हर इंस्पेक्शन जो वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर रहे हैं उसका भी एक यूनिक नंबर होगा ठीक है बेसिकली ये करप्शन uh, को कम करने के लिए और हेरासमेंट को कम करने के लिए किया जा रहा है ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है वो हेरास कर रहा है इंप्लॉयर को ठीक है बिकॉज द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इज ऑल्सो नॉट नोइंग कि वो किस इंप uh, uh, किस पर्टिकुलर इंप्लॉयर के पास या किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन uh, जो है उसको असाइन हुई है ठीक है सिमिलरली इंप्लॉयर को भी नहीं पता है कि कौन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इंस्पेक्शन के लिए उनके पास आएगा सो डेफिनेटली करप्शन का जो चांस है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है क्योंकि इंटरफेस खत्म हो गया इंप्लॉयर का और इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर का ठीक है इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट्स हैं उनको टाइमली आपको वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा रिक्वायर्ड गवर्नमेंट की एंड आपको यहां पर स्पेशल इंस्पेक्शन का प्रोविजन भी प्रोवाइड किया गया विच कैन बी अ अरप्राइज इंस्पेक्शन ऑल्सो ओके वी नीड नॉट गो इन टू द डिटेल ऑफ दैट एज वेल ओके चलिए उसके बाद इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के अलावा देर इज ऑल्सो अपोजिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ओके okay? तो इस केस में भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है जिसके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो और ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी सरकार अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब कर सकती है स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंटर के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ओके एंड चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक है या फिर फॉर द एंटायर रीजन और फॉर अ पर्टिकुलर लोकल लिमिट ओके इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है वो एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं या फिर पूरी कंट्री के लिए भी अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी और भाई एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कौन ऐसा व्यक्ति है जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर नहीं बन सकता दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हु इज होल्डिंग अ ऑफिस ओके और उसका जो वो ऑफिस है जिसके अंदर ही इज एम्प्लॉयड वो किसी भी वे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है किसी वर्क प्लेस में या किसी भी वर्क एक्टिविटी में किसी भी बिजनेस इन एनी प्रोसेस और बिजनेस कैरिड और इन एनी वर्क प्लेस और इन एनी प्लांट और मशीनरी कनेक्टेड वेयर विद फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एक व्यक्ति है ठीक है ही इज वन ऑफ द पर्सन हु इज हु इज मेकिंग अ मैनुफैक्चरिंग मशीन शू मैन्युफैक्चरिंग मशीन ठीक है जूते बनाने की मैन्युफैक्चरिंग मशीन ये बना रहा है ओके एंड अल्टीमेटली ही वॉन्ट्स टू सेल दीज मशीन टू द शू मेकर्स, ठीक है अब एक शू मेकर्स की जो इंडस्ट्री है नाइकी सारे सारे के सारे एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं तो उस केस में एबीसी को आप किसी भी केस में चाहे इसकी बाकी की जो क्वालिफिकेशंस हैं दैट आर सुटेबल फॉर बिकमिंग इंस्पेक्टर कम फेसिलिटेटर और चीफ इंस्पेक्टर कम फेसिलिटेटर आप कभी भी इनको अपॉइंट नहीं करोगे क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरेस्टेड है इन कंपनीज के अंदर ठीक है क्योंकि इनको अपनी मशीन बेचनी है जूते बनाने की राइट तो बेसिकली आपस में ये लोग दोनों सेटिंग कर सकते हैं कि ठीक है भाई तू ये नाइके आईडी दास वाले बोल देंगे कि हमारी इंडस्ट्री में जो कुछ भी हो तुझे बाहर कुछ नहीं बताना है सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना है उसके बदले विल बी परचेजिंग द मशीनरीज फ्रॉम यू ठीक है तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ऐसे लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे उसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड पावर्स एंड ड्यूटी स्पेसिफाई किए गए हैं तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में पावर्स एक्सरसाइज करेगा एज इंस्पेक्टर इन कम फैसिलिटेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ माइंस। सो माइंस के केस में जहां पर माइंस हैं आपकी जिन रीजन्स में तो उन रीजन्स में अपनी लोकल लिमिट्स का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा ही विल बी एक्टिंग एज द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर फॉर द पर्पज ऑफ माइंस, ओके ऑल राइट right. उसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है थर्ड पार्टी ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन का आ, प्रोविजन सो so, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वंस अगेन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वो एक नोटिफिकेशन निकाल कर कुछ एक्सपर्ट्स जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो उनको हायर कर सकते हैं फॉर थर्ड पार्टी ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन ओके okay? एंड ये जो एक्सपर्ट्स बेसिकली क्या किया जाएगा जैसे दस लिस्ट दस एक्सपर्ट्स की मैंने लिस्ट बना ली ठीक है या बीस एक्सपर्ट्स की मैंने लिस्ट बना ली ओके okay. उसके बाद मुझे दो एक्सपर्ट्स निकालने हैं फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री उसका एडिट करने ऑडिट करने के लिए ठीक है थर्ड पार्टी ऑडिट करने के लिए तो मैं क्या करूंगा ये ट्वेंटी एक्सपर्ट्स में से रैंडमली दो को चूज़ कर लूंगा या तीन को चूज कर लूंगा ठीक है ताकि यहाँ पर भी करप्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाए ऑल राइट सो इसको वेब बेस्ड फॉर्मेट में कंप्लीटली रखा जाएगा ऑल राइट एंड जो भी थर्ड पार्टी ऑडिट की रिपोर्ट होगी दैट मस्ट बी सबमिटेड टू द कंसर्नड एम्प्लॉयर जहाँ पर आपने ऑडिट किया है and also to the inspector cum facilitator general okay chaliye all right so guys with this we come to the end of पार्ट थ्री ऑफ योर ऑक्युपेशनल सेफ्टी कोड वंस अगेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं एक आधा फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है पर जितना आपका वेजिस कोड इंपॉर्टेंट है या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इंपॉर्टेंट है वंस अगेन आई विल से दिस कोड इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज और राइट चलिए सो हेयर आई विल इन द लेक्चर प्लीज शेयर द चैनल प्लीज शेयर द वीडियो आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय